मेरे इस दुनिया में आने का मन्नत मेरी माँ ने बाबा बैद्यनाथ से मांग रखी थी। मैंने पढ़ाई पूरी करी, नौकरी पकड़ी, मगर माँ का दिया वचन सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा के दर्शन का पूरा नहीं करा पाया, जिसे अब पूरा कराने का वक्त आ गया था। तो गाइस ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच चुके हैं गोदौलिया सुनार गली की तरफ। देखते हैं यहाँ तो मिल जाना चाहिए यार। आज 2 घंटे बारिश में ये हालत है यहाँ पे यार। और ये विश्वनाथ गली है गाइस, पुराना विश्वनाथ गली, और सीधे दशाश्वमेध घाट है। ये विश्वनाथ गली है, अंदर जा रहे हैं। अगर यहाँ नहीं मिला तो गाइस कहीं भी नहीं मिलेगा। तो गाइस फाइनली हमें मिल गया है बोल बम का टी शर्ट। मंदिर के पास है तुम्हारे पास दो क्या भाई? हाँ, पर दर्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि दो टाइम। फिर क्या फायदा हुआ यार? कोई बात नहीं, फिर क्या फायदा हुआ है। धन्यवाद। ये मार्केटिंग गाइस, दिस इज कॉल्ड। साला हम तो सोच रहे हैं हम भी स्टार्ट कर दे यार ये काम। यार मंदिर तक ले जाने का पैसा है वो भाई साहब, क्या मार्केटिंग है भाई। हम फालतू काम कर रहे हैं, जो 9 to 5 वाला काम है ना ये फालतू है। आओ 700 रुपया मान ले, चलो 500 भी कमा रहा है ऐसे। अगर 10 कोई पकड़ लिया 5000 रुपया एक दिन का हो गया, 30 दिन का कितना हुआ 1.5 लाख, और विदाउट एनी टैक्स पैसा ही पैसा हो गया। मेरे बाबा भोले बाबा। क्या ने मौसी? तो फाइनली गाइस लग रहा है हम लोग किउल जंक्शन उतर गए हैं। ये हमारे सचिन भैया जी गर्दा मचाते हुए। जी जय जी। A few moments later. तब खा लिए और तो जिन भैया अभी भी उड़ा रहे हैं यार तेरी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, फाइनली सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं और गंगा घाट की तरफ। चश्मा भी लगा लेते हैं। सुल्तानगंज गंगा घाट पे भैया लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। बोल बम। तो गाइस यहाँ पे एक दुकान थी जहाँ पे बहुत ही बढ़िया रसगुल्ला था। गाइस रसगुल्ला खा के निकल चुके हैं और सचिन भैया रबड़ी के साथ अपना चश्मा चश्मा लगाते। बोल बम बोल बम बोल बम। तो गाइस फाइनली बोल बम करते हुए हम पुल के पास तक पहुंच गए हैं, जल लेते हैं और यहाँ पे भी एक मंदिर है वहाँ दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा है, मतलब गंगा नदी का प्रवाह उत्तर की ओर होता है जो हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। गाइस ये रहा मंदिर। तो यहाँ पे हमारे कावर रखा गए हैं और ये पुल हमने वहाँ से क्रॉस किया। यहाँ से सुल्तानगंज से जो बैजू थे ना, बैजू हाँ। तो बैद्यनाथ धाम जो पड़ा है वो बैजू, यहाँ से जल चढ़ाते थे महादेव को। ओ अच्छा जी। यहाँ से पैदल यात्रा नंगे पैर, यहाँ से 105 किलोमीटर दूर की देवघर ना, हाँ देवघर पैदल यात्रा बाबा मंदिर तक। हाँ मंदिर तक। और आपका बाई रोड 130 किलोमीटर जी। रावणेश्वर धाम जो है रावण शिवलिंग लेके जा रहे थे। हाँ 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 हाँ। वो ही शिवलिंग है। अच्छा श्रीलंका लेके जा रहे थे वहाँ पे। अच्छा वहाँ जो है बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, चार चिलम में चार धाम, बाबा एक चिलम में बाबा धाम। ये हाल याद नहीं है मुझे। शाबाश बेटा। तो फाइनली हम लोग दर्शन कर चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से गंगा जी स्नान के लिए। अंदर आके यहाँ पे एक चबूतरा टाइप बना है, यहाँ बैठने के लिए अरेंजमेंट है, अपना आराम से बैठ सकते हैं। हमने अपना सामान यहाँ रख दिया है, यहाँ पे लोग आराम से अपना सामान रख के नहाने जाते हैं। पलटा लेकर हम लोग निकल चुके हैं गंगा जी स्नान के लिए और गंगा आरती भी शुरू होने वाली है, बहुत सही वक्त आए हैं हम लोग। फाइनली हमारा गंगा स्नान हो गया है, गंगा जल रखा हुआ है उसको संकल्पित किया जाएगा। बोल बम बोल बम बोल बम।
फाइनली गंगा मैया को ले करके हम निकल चुके हैं अपने बाबा धाम की तरफ, और अभी आज जल चढ़ाएंगे कल सुबह सुबह। बोलबम 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 चढ़ा जरूर है। गली से हाईवे पे आ चुके हैं गाइस। बोलबम 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 बोलबम। हम लोग रेडी हो चुके हैं, आज 20 अगस्त डे 2 इन बाबा धाम, और अब हम लोग जा रहे हैं आज दर्शन करने बाबा का। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मेरे मन में उनके डेरे, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैंने बहुत बार खाई ठोकर, गिरते को संभाला है उसने। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, ये हमारे वैद्यनाथ जी का मंदिर है, ये पार्वती जी का मंदिर है, और ये गठबंधन हो रखा है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये विश्वकर्मा जी ने यहाँ पे 5 मंदिरें बनाई हैं, काली मंदिर, भैरव जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, पार्वती मंदिर, और अपने वैद्यनाथ जी जो कि हमारे पीछे हैं। ये सारे मंदिर विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं। सचिन भैया बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सचिन भैया, हम लोग अभी जस्ट देवघर बाबा का दर्शन कर लिए हैं, दर्शन के पश्चात पूजा पाठ वगैरह सब करके अभी जस्ट हम लोग बासुकीनाथ के लिए प्रस्थान किए हैं, फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। वो भी बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी बहुत जरूरी। जहाँ जो मांगा बाबा से वो पूरा कसर किया, जिंदगी खूबसूरत बनी, माँ के मन्नत ने असर किया।